सगला अभिभावक ध्यान आकर्षित करबो चाहे सगला मयूर का अभिभावक ने राम राम साहब। आज माँ के लिए एक शिक्षा के लिए आपको समय निकाल और मयूर विद्यालय परिवार ने आपको टाइम दियो भी के लिए आप सगला ने धन्यवाद। अच्छी बात अगर करा शिक्षा सुधरनी तो शिक्षाविद लोग आके वे कि आदमी ने एक रोटी कम खा लेली लेकिन आपका टाबरा ने बटाणू चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र तरीको है जगह अपा सिस्टम परिवार समाज और देश ने बदल सका। मयूर का मैं लोग भी थाने इस बात ने लेर आग्रह करा कि टाबरा की पढ़ाई में कदे कमी नहीं आवा देनी। पहले के टाइम की शिक्षा और बार के टाइम की शिक्षा में अंतर आएगो, अंतर टाबरा में भी आयो, अंतर स्कूल में भी आयो, अंतर मास्टरा में भी आयो। पहले के टाइम में रट्टू पद्धति ज्यादा चलती थी। गार्जन जब टाबरा को एडमिशन स्कूल में करवाता जना याद है माने कि आ बात कहता मार साहब चामड़ी थांकीर हाडका माका। आजकल वो सिस्टम नहीं है। शिक्षा और मास्टरों में भी फर्क आया। हम अपडेट हुए जमाने के साथ, मयूर स्कूल अपडेट हुई जमाने के साथ और फर्क आपके सामने है। मैं आपको यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर थे थांका बच्चों घरा सवाल करो और सवाल को जवाब एक सेकंड में ही बच्चों दे रही है तो बी को सक्सेस रेशियो कम होगा का चांसेज है। थांके सवाल करबा के बाद बच्चों 2-3 मिनट को टाइम लेर सोच भी के बाद में जवाब देवे तो इको मतलब बट सक्सेस रेशियो ज्यादा है। बच्चा में सोचबा समझबा की शक्ति ज्यादा है। बच्चों प्रैक्टिकली तौर पर काम कर रही है, प्रैक्टिकल तौर पर शिक्षा ले रही है। आज संस्था 2005-06 में शुरुआत हुई संस्था की डेगाना गांव में। 2005-06 में 15 स्टूडेंट था मांगन सगड़ों पहली। माने वो दिन आज भी याद है जब मैं कई बार गार्जन अगन जाता शुरुआत में तो गार्जन माने कहता कि थांकन गणु इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, अदर एक्टिविटीज के लिए कोई साधन नहीं है, बच्चों के लिए ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है। गार्जनों की इस बात को हमने चुनौती के रूप में लिया। 2005-06 के बाद में यहाँ स्थापित की गई मयूर संस्था और जिस बीज को डेगाना जंक्शन में बोया आप और हम यहाँ पर बैठे हैं उसमें आज 2600 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में पश्चिमी राजस्थान का उभरता हुआ संस्थान है और जो 15 बच्चों से शुरू हुआ था उसमें आज 2600 से अधिक विद्यार्थियों के साथ साथ नीट जेट जेई फाउंडेशन के साथ उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की भी स्थापना की गई और नर्सरी से नौकरी तक का सफर आज आपका बच्चा हमारे साथ में कर सकता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जब तक बात आवे तो मैं इस बात को थाने भरोसा दिलाऊं कि थांको टाबर चाहे खेल में आगे है, चाहे थांको टाबर डॉक्टर बनबो चाहे, इंजीनियर बनबो चाहे, आईएएस आरएएस प्रशासनिक सेवा में जाबो चाहे, चाहे थांको बच्चों एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई ऑफिसर बनबो चाहे तो मयूर में वे सारी शिक्षा वे सारी सुख सुविधा उपलब्ध है जका थांका बच्चा का सपना ने पूरा कर सके। एक चीज और कि जद जद रिजल्ट आवे तो गार्जना के फोन करा मैं और केवा गार्जना ने कि साहब ई बार मयूर टॉप रही है तो कई गार्जन माने के वे साहब इक मायने काई बड़ी बात है, हर साल ही टॉप रहे वेर माने ध्यान नहीं बार भी टॉप रही है। आ बात सुनर जीव सुर हुए लेकिन फिर भी मैं आपने बतानू चाहूं कि कंटिन्यू के मायने टॉप रेणु इके पीछे है सालों साल की मेहनत, थांका बच्चों को अनुशासन, थांको विश्वास, मां लोगों की मेहनत और केवल मां लोगों की नहीं आप सगड़ा का सहयोग और सगड़ा का सामंजस्य हूं हमेशा टॉप पर आवा और उम्मीद करा कि थांको विश्वास किसी भी स्थिति के मायने में तोड़ा को नहीं। जब तक रिजल्ट की बात है 12वीं के मायने एक बार रिजल्ट दियो 97% एक बार स्कूल प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
95 प्लस 6 बच्चा दिया 12वीं में, और 90 प्लस की संख्या 1, 5, 10, 15, 20 नहीं, 90 प्लस बच्चों की संख्या रखी 50 12वीं के साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स सब्जेक्ट में कुल 50 विद्यार्थी 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। साइंस स्ट्रीम में मिलने वाली इंस्पायर्ड अवार्ड 80,000 रुपए मिले 4 साल तक, और इस सत्र में 2023-24 में 1.5 करोड़ की राशि अपारा टावरा के खाता में गाली गोर में 1.5 करोड़ की राशि, मोटी बात है। माने ध्यान है कि एक किसान परिवार का लोग पढ़े, माने ध्यान है कि 12वीं के बाद में उच्च शिक्षा की खातर 12 भेजनू पड़े टावरा, और बी के लिए जबरदस्त मेहनत करवा कि थे जबकी फीस अट दे गया हो, लास्ट में जी टाइम मार्च अप्रैल में रिजल्ट आवे ना बी टाइम था कि बी पीसीआर की भी फीस की वसूली हो सके, और भी वसूली की जड़ तक बात आवेली मयूर स्कूल को नाम पहली पंक्ति में वेलो हो सके कि कदई फीस के लिए आप लोगों ने फोन करियो और आप कहती हुए मयूर माड़ी है या मयूर में फीस के बाद बदले में चल ज्यादा फोन करे तंग करे, लेकिन आज जी टाइम अट बेटा और टाबर में शापाम देखो तो जीव शुरू हो जाए, भयानक गर्मी के मायने काट जाऊं ठंडक मिली टाबरा के कारण होता है। तो मैं आपने आगे पूछाऊ कि किसी भी स्थिति के मायने थाके बच्चा के साथ विश्वासघात गोलू है, थांकी और थांके बच्चा की उम्मीदा पर हर बार खरो उतरवा को प्रयास करा, और अब थांके बच्चा की 10वीं के रिजल्ट की बात बताऊं तो टॉपर बच्चों प्रिंस गरवा जगह के 96% बनिया बच्चा के लिए जोरदार था, 10वीं में 95% ऊपर 7 विद्यार्थी, 90% ऊपर 19 विद्यार्थी, 80 ऊपर 63 और 70% से ऊपर 117 विद्यार्थियों का बड़ा हुजूम आपके सामने हुआ। आप सगला का सहयोग के लिए बहुत आभार, और मैं आदान बात भी बता पूछा कि मयूर थाऊ और माऊ है आप दूसरी बात है, लेकिन मयूर टाबराऊ है, इस चीज को मैं हमेशा ध्यान रखा, और 2600 स्टूडेंट में लगभग 50-50% अनुपात मांगकर लड़की और लड़का को है, इनको पूरो पूरो सहयोग पूरी पूरी को श्रेय आप लोगों ने जावे कि आप वहां पर विश्वास करियो, और आप भी बता पूछाऊ कि सुरक्षित वातावरण में चाहे बेटा हो या बेटी उनकी शिक्षा में कभी भी कमी नहीं आने, और द्रोणाचार्यों की मजबूत टीम और उनकी मजबूत मेहनत के चलते आज मौका मिला है कि आप और हम लोग यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं। मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जब जब मयूर के पास आउट विद्यार्थियों को हमारी जरूरत पड़ेगी हमेशा सजग प्रहरी बनकर कार्य करते नजर आएंगे। विद्यालय भवन में आने के बाद आपको ये चारों ओर दिख रही बड़ी बिल्डिंग है केवल चूना ईंट और पत्थर की बनी नहीं है, यह भारत का भविष्य बनता है। किसी भी रिजल्ट में एक भी बच्चा फेल नहीं होता, इसके पीछे वजह है हमेशा हमने रक्त रंजित मेहनत से बच्चों को तराशा है। यहाँ चप्पा चप्पा चौकस है और बच्चा बच्चा फोकस है। मंच पर भले ही 4 लोगों की उपस्थिति हो लेकिन लाखों अभिभावकों ने अपने विश्वास से जब इनको सींचा तब जाकर मयूर का बीज एक वटवृक्ष का रूप लिया जिसकी छत्र छाया में आप और हम दोनों बैठे हैं। हर बार ग्रामीण तबके के जो लोग हैं उनके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता था कि माड़ साहब चाहे बायो दिरावा चाहे एग्रीकल्चर दिरावा चाहे मैथमेटिक्स चाहे आर्ट्स, लेकिन 12वीं पढ़िया के बाद में टाबर ने जब कोचिंग लाइन में भेजा जाना फीसा ज्यादा लगे और 2-3 साल कोचिंग में पढ़ाने के बावजूद भी सिलेक्शन को रेशियो और भी की गारंटी को नहीं, मां के अभिभावक की आ बात दिमाग में खटकी और एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ो करो। इन बात ने मैं सीरियसली लेर एक चुनौती के रूप के माय लेर, और आज चाहे आर्ट्स सब्जेक्ट हो चाहे मैथमेटिक हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे एग्रीकल्चर सगड़ा के मायने फाउंडेशन कोर्स शुरू करियो। बदलता जमाना के साथ शिक्षा को स्तर भी बदल रही है, लोगों के मन में आई कि एक इंग्लिश मीडियम संस्था हुए तो मान साहब थांजियान की सुविधा को नहीं, इंग्लिश मीडियम अगर था स्कूल करो तो मैं बच्चा ने थाकन भेजा, गार्जियनों ने इस बात को संजोया दिमाग में दिल में और इंग्लिश मीडियम संस्थान की स्थापना की गई जो पहली से लगाकर नर्सरी कक्षा से लगाकर 10वीं कक्षा तक सीबीएसई माध्यम में संचालित है। 12वीं के बाद ग्रामीण स्तर के लोग
अपने बच्चों को बच्चियों को दूर नहीं भेजना चाहते, तब हमने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना की, जहां आज बच्चे बीएससी और बीए के साथ में एनसीसी करते हैं। होम सेंटर हमारा यहाँ, और इसीलिए हमारा ध्येय वाक्य बना कि नर्सरी से नौकरी तक का सफर आप मयूर के शंख तय कर सकते हैं। दसवीं में बच्चे के आपके कितने परसेंटेज बने या ना बने, आपने उम्मीद 90 की कर रखी और बच्चे के 85 बन गए हो, बच्चे ने 95 की उम्मीद कर रखी और बच्चे के 90% बन गए हो, ये दूसरी बात है। थाला टावर के 85% बनिया, पड़ोसी शर्मा जी के बच्चा के 90% बनिया, आ बात कह रहे टावर ने कदे डिमोटिवेट नहीं करना है। दसवीं का परसेंटेज, दसवीं की परीक्षा एक पड़ाव हो, और उन पड़ाव ने आप और आपको बच्चों एक तरीका पार करियो भी के लिए आपको सहयोग रियो, और बच्चा ने हमेशा मोटिवेट करनो ये बात ने लेर। और मैं ये बात आप क्यों कह रही हूं कि पीछे एक वजह आया है कि थाका बच्चा के मयूर में एक अच्छा परसेंटेज बढ़िया या कौन बढ़िया, और दूसरी बात है, पहली बात आ है कि थाका बच्चा में अच्छा इंसानियत गुण निखर रहा। मैं हमेशा आज के बदलती शिक्षा में ये बात पर जोर रखा कि टाबर ने अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक संस्कारित शिक्षा उपलब्ध करवाओ। खेती दड़ी ला रहे हुए ये बात ने थोड़ी और बड़ा पूछो, और शायद अब बात थाके साके प्रैक्टिकली रूप में योड़ी भूली कि टॉपर बच्चा की अलग लिस्ट बनती और कमजोर बच्चा की अलग लिस्ट बनती। कमजोर बच्चा के लिए हमेशा आप प्रयास करता कि बच्चों 50% पास कर आयो है तो अगला टेस्ट के मायने वार्षिक परीक्षा तक बोर्ड रिजल्ट तक बीके 55, 60, 65, 70, 75 तक ले जावा। और कोई बच्चों जो 95% को है बी का 95% हो ज्यादा ग्रोथ हो, ग्रोथ रेशियो मान को यदि देखना हो तो आप 12th को परसेंटेज देखो, 12th को रिजल्ट देखो। 12th का रिजल्ट में दसवीं में वहां बच्चा के कथा हो, 12वीं में वहां को रेशियो का ही नहीं हो ग्रोथिंग को। दूसरी चीज में आपको ध्यान आकर्षित कर को चाहूं कि 2600 अधिक विद्यार्थी में थाने हर बार 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 क्यों ही बात में 2600 ज्यादा टॉपर जी मंच पर जी स्कूल में पढ़ रहा है भी स्कूल को डायरेक्टर टॉपर बच्चा के गार्जियन ने रात की 10 बजे फोन करा के मैं साहब मयूर स्कूल में देवकरण डारा बोल रहा हूं और बच्चों का ही कर रहे हो। टॉपर्स बच्चा है तो सीधी तौर पर रात की 10 बजे पढ़ी रहा होगा, गार्जियन का जवाब आता है मान साहब पढ़ रही हो टॉपर तो की जगह माया में एक बार जा टॉपर ने देख रहा हो और 10 मिनट बाद में थाको पांचों फोन मारकर आनू चाहिए कि थानो टॉपर कर रही हो का ही है। 10 मिनट बाद गार्जियन देख रहा पांचों फोन करे की मान साहब पढ़ी रही हो टॉपर, इनके में मॉनिटरिंग, इनके में धनी और इनके में खेती। एक अंतिम बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि टॉपर मयूर ने बढ़ाई, आप सगला लोगों को सहयोग रियो, और वास्तव में मैं एक अच्छा स्तर पर रहा, मैं अपने आप ने छोटा गुण माना। आप कदे दिमाग में हाँ मत ले राजू कि पड़ोसा को बच्चों या पड़ोसा को टाबर 2 रुपया ज्यादा होगा के कारण मैं आपका टाबर ने सीकर पटा रहा है, जयपुर पटा रहा है, कोटा पटा रहा है, अपनो टाबर ढेगाना महीनों में जमा है। आप बात में विश्वास हूं क्यों उठाना है कि लास्ट में जब सक्सेस रेशियो को बात आवे लो केवल नौकरी लागू सक्सेस होनी है, एक अच्छा इंसानियत गुण निखर जी दिन टाबर में 2 आदमियों के बीच में टाबर 5 आदमियों के बीच में राम राम साकेर आपकी बात रखवा की बारी आवेली बेटा मयूर को टाबर थाको टाबर आगे रेवेलो हमेशा। अब दसवीं की एक परीक्षा को एक पड़ाव पास करेगा टाबर, अब भी चौराई है टाबर के सामने, 11वीं में कई सब्जेक्ट ले लू है, बायोलॉजी ले लू, एग्रीकल्चर ले लू, आर्ट्स ले लू, मैथमेटिक्स ले लू, कदे टाबर ने बात को दबाव में डाल दिया कि तन डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेनी पड़ी, तन एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है एग्रीकल्चर लेनी पड़ी, तन आईएसआरएस बनना है पड़ोस को टाबर बनी हो तुम भी आर्ट्स ले तुम भी बायोलॉजी ले, आप बात कदे टाबर के सामने नहीं गई। टाबर ने झक्का उम्मीद को टाबर पढ़ रही है झक्की टाबर की इच्छा है वह सब्जेक्ट ले पा दो, और ये बात को ध्यान रख दो कि जब वापिस स्कूल ना खुले भी टाइम टाबर ने भेजो मांगने प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर को मिलवाशा ठाला टाबर ने प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर आगे की पूरी कहानी भी बताई जकी कहानी समझ में आई टाबर के जकी चीज टाबर की रुचि रही भी रुचि में और बड़ा था टाबर ने सक्सेस नहीं किया तो और बाका बाकी रहे वाला।
हमेशा टाबर ने मोटिवेट कर जो दो तीन शाम ताने थाने राखड़ी पड़ी टाबर जब तक पड़े फिर मोबाइल फोन को दूर रखो बी की संगति पर विशेष ध्यान रखो के भी केवे भी है कि बढ़िए की बादाम ना और सोनार को कचरों में को व्या करे इकातर हमेशा ध्यान रखने के टाबर में संगति बी के आसपास वाला दोस्त मित्र की संगति का है। टाबर ने थांके करने बेटा हो ज्ञान की बात क्यों टाबर में मोबाइल फोन दूर रखो टाबर में नशा की प्रवृत्ति दूर रखो टाबर को टाइम टेबल फिक्स रखो टाबर को खान पान फिक्स रखो थाके टाबर की होड़ कोई दूसरों टाबर को मिल सके यदि पांच चीजें की थे नहीं रख ली तो स्कूल में टाबर सात घंटा मांगन रही जब तक टाबर की मॉनिटरिंग थानाओं दूनी थानाओं बत्ती और थानाओं जो भी कर बतावा और लाख लोग मांगो इतिहास की बात को प्रमाण है। नहीं देखा कभी गवर्नमेंट जी सर के सामने सजा हो कई बार एडमिशन के टाइम और ऑफिस में बैठा रहे वहां जन आवे गार्जियन मक्कन जगह बारे रहे सोच हो गया के साहब स्कूल को मालिक कौन है जना मैं भी थोकनी चाय के साथ जूस की ले लेवांगी स्कूल को मालिक तो साहब मेरे साहब रहे हैं उपरम घूमे अटे अटे सवाल बड़ा नहीं हां बचपन ध्यान पड़े कि जगह आदमी ऑफिस में बात कर रहे हैं वो स्कूल को मालिक हो जगह की सरलता सादगी की पहचान आसपास को एरियो आसपास के पब्लिक दे जगह की रिजल्ट ही पहचान है। आप सगला की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूं दसवीं बोर्ड परीक्षा में जका बालक बालिका अच्छा नंबर दिया बन धन्यवाद शुभकामनाएं उज्ज्वल भविष्य की और जका विवाह भया बन भी धन्यवाद के तत्ता लंबा टाइम में को विश्वास कर दिया हो भाषण जे बहुत मन कम आवे पर मन काम करा बहुत अच्छा तरीका आवे के मन किया काम करा क्योंकि मन पर मैं कम ही भजा करूँ मन पर मन मंडा जी भजा करे ज्यादा करे तो सारी चंद व्यवस्था ये बताती मन व्यवस्था की कौन बतानी मैं ना कह सकूं तंका पहचान जका विश्वास होते मांगने भेजो भी विश्वास पर मैं माकी पूरी टीम अच्छो काम करा में थाने की भाई जकी टीम को जको काम है भी काम ने मैं पूर्ण परंपरागत रूप किया कराण में बच्चा में किया दिखा रही हूँ भी की कई चीज उन्हीं चीज पूरी चीज को ध्यान रखकर मैं तंग मैसेज व्हाट्सएप फोन कॉलिंग एक माध्यम में तंग पूरी जानकारी देवा की पूरी कोशिश करा भाग लो बच्चा की जो भी कमी ताने लागे भाई बच्चों घर का को कहनो बंद माने भी ज्यादा गुरु जी को कहनो माने यदि बच्चों ज्यादा फोन देखे तो भी बिंद मैं रुकवा सका थे बिना आसानी को रुकवा सकू बच्चों और की आदत है तो मैं भी छुड़वा सका थे कौन छुड़वा सको छुड़वाबा की उम्र है बारहवीं तक की यदि बारहवीं तक की बच्चों यदि नहीं सुधार करियो पचापन सुधार बन गए तो वह जिम्मेदारी थकी रहे के स्कूल वाला जरा थाने बुलावे भी टाइम दे तो टाइम निकाल टाबर के वास्ते आओ क्योंकि आपा की असली पूंजी टाबर ही है भाई आपा गाँव में आ चीज सोचा कि ब्याह में दिखावो करनू है मौसर में दिखावो करनू है और कोई तीज त्योहार में भी दिखा वो करना के पड़ोसी कम नहीं रहनू भाई कम नहीं रहनू के भाइयों भत्तो करनू है यदि वो खर्च आप आज जो मांगे माँ के मन साल के मायने 20,000 रुपया 30,000 रुपया 50,000 रुपया बालक की शिक्षा पर खर्च करना है आपा को अलग को मत हुए तो शायद आपा का गाँव का टाबर शहर का टाबर घना आगा जाता रहे भाई सिटी के मायने जो को गार्जियन रहे बिन लाख रुपया सैलरी मिले तो भी की फिक्स है कि बच्चा की फीस आ भरनी है दूध दाला ने देना है किरायो भरनो है भी के पच बचत करनी है आपा को स्कूल ने आपा ये खर्च माना के आ तो फालतू की फीस लाग दी एर फालतू किरायो लागो भी कारण लास्ट में जा आपा पिस्ता जाओ तो इन आपा खर्च नहीं मान एक स्थाई इन्वेस्ट मान के टाबर की खातरी भागा टाबर की खातरी कमावा तो टाबर ने अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और हर माँ बाप को सपनू रहे के टाबर ने मैं मारा एरिया की सब अच्छी स्कूल में कर दूँ तो भी सपना पर आप जरा खरा उतर सका जरा आप इको अलग फंड बनावा अलग इको मैनेजमेंट करा और लोगों ने अवेयरनेस करा तो आप सब आया एक वास्ते सब ने बधाई और बच्चा ने भी आप बधाई दूँ कि भाई जगह के 90+ बढ़िया है या 95+ बढ़िया है तो आपने अतो हवा में भी बदलना है कि आप अतीत ने भूल जाऊँ
परसेंटेज ये पहली सीढ़ी है घर वालों का और आपला है, आपका एक हौसला है कि मेरे में ये एबिलिटी है पापा मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और घर वाले आपके लिए हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तो जमीन से अपन को जुड़ के चलना है। काफी बच्चों को हम देखते हैं कि भाई जिसके 90+ हो जाते हैं तो घर वाले भी उस हवा में आ जाते हैं और बच्चे भी उस हवा में आ जाते हैं और बच्चा मिसगाइड हो जाता है, कोई अपनी लाइन को चूक जाता है। उसका कारण यह होता है कि गांव में वह अवेयरनेस नहीं होती, उनको लगता है कि बच्चे के 90+ आ गए अब मेरा बच्चा तो कलेक्टर ही बन गया। भाई कलेक्टर बनने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। ये तो पहली सीढ़ी है, किताब का पहला पन्ना लिखा गया है कि आपका बच्चे ने पहले पन्ने को बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा है, ये पहला काम है। तो कॉपी तो भरनी आपको अब स्टार्ट ही है कॉपी तो उसके लिए आपको कभी भी अपने अतीत को भूलना नहीं है। आप जैसे पहले पढ़ते थे आपको पता नहीं था मेरे में कितनी एबिलिटी है, उससे पहले आप अपना आप पढ़ रहे थे, अब आपको पता चल गया मेरे में ये एबिलिटी है तो भी घमंड नहीं आना चाहिए, और घमंड नहीं आएगा तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और जो बच्चा परसेंटेज हवा में चल रहा है उसका देख लो, भली मैं तो हमेशा देखता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चा मिसगाइड कैसे हो गया। मिसगाइड होने से घर वालों के पास में हम कभी जाते हैं भाई गाँव में जाते हैं संपर्क के लिए तो देखते हैं सर वहाँ सा मांडो डालो तो बच्चे होशियार हो वो करी जी ऊंचाई सा, मतलब बच्चे पर इतने निर्भर हो जाते हैं बच्चा करेगा वही होगा। भाई अपन जिंदगी की ठोकर का ही बच्चा तो अभी 15 साल का बच्चा क्या करेगा, इसको क्या पता मुझे क्या करना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये जानकारी तो अपन को है। भाई अपन को नहीं तो अपने रिश्तेदारों को पूछो, उनसे गाइड लो, उसके बाद में डिसीजन करो। आप बच्चे पर मत छोड़ो ऐसी चीजें, बच्चा भी बच्चा तो देखेगा मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है मेरा दोस्त क्या कर रहा है मैं वही करवाऊंगा। भाई मंडा जी ने सब्जेक्ट का कहा था तो सब्जेक्ट भी अपन को चूज करना, बच्चा एकदम चूज नहीं कर सकता, बच्चे के मार्क्स आए जिसमें अच्छे मार्क्स आए स्वाभाविक है उस सब्जेक्ट में बच्चे की अच्छी रुचि है। अब अपन को यह देखना है कि मुझे बच्चे को किस साइड में भेजना है, मुझे इसकी आगे की शिक्षा क्या करवाना है, इसके प्रति आप भी मनन करो। हर परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी आप डिस्कस करो, आप 2-3 आदमियों से डिस्कस करोगे तो एक निश्चित शिखर पर आप जरूर पहुंचोगे कि मुझे इस फील्ड में बच्चे को भेजना है। सुल्तान भीमराव अम्बेडकर ने उस समय लिखा था तो उन्होंने पढ़ाई की तभी तो आज निम्न वर्ग के लिए सबके लिए ये आरक्षण बना के भाई जो कमजोर तबके के लोग थे उनको आगे बढ़ाने की सारी व्यवस्था की थी, नहीं तो अपन का नंबर थोड़ा था, अपन आज इस मंच पर अपन नहीं होते, इस मंच पर और कोई होता। अपन उसी संविधान की देन है, उसी शिक्षा की देन है कि अपन सबके सामने बोल रहे हैं और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई को आप कम मत आंको, पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है। यदि आपके परिवार को समाज को देश को बदलना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई के अलावा अपन के पास में कोई दूसरा हथियार नहीं है। तो आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबको विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद। कि सर दो चीजों को लेकर ज्यादा सजग नजर आए, मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों में। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जहां तक संभव हो बच्चे और बच्चियों दोनों को बराबर शिक्षा देना हो। यदि बच्चे की शिक्षा पर आप साल के 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो बच्ची पर 4.5 का भी आपका हक नहीं है, वहां भेदभाव कर जाओगे, एक माँ बाप का फर्ज एक अच्छी तरीके से नहीं निभा सकेंगे। इसलिए जितना एक लड़के पर खर्च हो रहा है उतना ही शिक्षा का फंड लड़के पर खर्च हो। सर ने बार बात करी कि कोई एक टाणा के लिए जमा करवा ला गया कि टाबर को ब्याह करना है, बच्ची ने बनानी है, शंपूनी करनी है, पैरानी करनी है, भी कोई फंड अलग उड़ा का आपा। आज हुआ सोगन गा लीजिए, आज हूँ इको प्रण ले लीजिए कि आज के बाद टाबर की शिक्षा के लिए अलग फंड जमा करो ला। और जब तो फंड जमा हुई है तो फंड शिक्षा पर बच्चा की खातिर खर्च करो। तो मैं इस बात को विश्वास दिलाऊं कि आज के 5 साल बाद को जो रिजल्ट हुई वो भी टाणा ने लोग भूल सके, लेकिन शिक्षा को जो रिजल्ट आई वो पीढ़ियां पीढ़ियां तक याद रहा के लोग। तो ये खातर ध्यान रख जो कि थाना टापर के पिंचाण में बने तो पड़ोसी वालों की जो थाना पिछा से बन गया माणा पिंचाण में बन गया, थाना के पीछा से बने तो पड़ोसी वालों को उदाहरण दे मत की जो कि बीके पिंचाण में बने और थारे पिछा से बन गया। आप बात करती तुलना मत कर जो टाबर हूं टाबर की,
थालो टाबर अच्छो है, थांको टाबर यूनिक है, थाला टाबर में कोई कमी होनी, थांके टाबर की स्कूल में कोई कमी होनी, मैं ये बात को थाने विश्वास दिला सका, ताकि उम्मीद थांका विश्वास पर हमेशा खरा होता रहा, ताकि जगी पूंजी अटे संस्थान के द्वारा लाग रही है भी हमेशा पूंजी को सहयोग रखा भी की कदर करा भी की इज्जत करा, तो ये चीज में कदर कमी को ना बाध्या। अल्लाह हाफिज़।